कीबोर्ड में सबसे पहले हम लोग फंक्शन को जानेंगे। कीबोर्ड को पांच भागों में बांटा गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बारी बारी से पढ़ेंगे। कंट्रोल ए, कंट्रोल के साथ क्या होता है, शिफ्ट के साथ क्या होता है, कैप्स लॉक का क्या काम किया जाता है, तो उसको बारी बारी हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखेंगे फोर सेलेक्शन। सबसे पहले कंप्यूटर में कोई भी काम कीजिएगा तो सेलेक्ट करना जरूरी होता है, तो सेलेक्ट कैसे करते हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको जाना होगा किस में, एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में चलते हैं, एमएस वर्ड में हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने का तरीका, स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही एमएस वर्ड का आइकन है उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। उसके सर्च बार में यदि आप टाइप कर दीजिएगा विन वर्ड या वर्ड भी टाइप कीजिएगा तो ये दे देगा मैसेज, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है यदि टास्क बार पे आप सेट किए हुए हैं तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो देखिएगा अब चलते हैं फोर सेलेक्शन पे, हम लोग सेलेक्शन कैसे करेंगे, कंप्यूटर में जो कोई भी अक्षर को सेलेक्ट करेंगे उसको कैसे सेट सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सेलेक्ट करने का ढेर सारा प्रोसेस है, तो हम लोग जानेंगे सेलेक्ट करने का शिफ्ट के साथ। ये आपको अप एरो, डन एरो, राइट एरो और लेफ्ट एरो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले लिखना होगा। तो लिखने के लिए आपको यदि फंडामेंटल चलता है, टाइप नहीं करने के लिए होता है, तो उसका फॉर्मूला बता देते हैं आप लोग कैसे टाइप कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इक्वल देना है, उसके बाद आर ए एन डी दे दीजिएगा, उसके छोटी कोष्ट को ओपन कर लीजिएगा। 10 पैराग्राफ लिखना है तो 10 लिख दीजिएगा, छोटी कोष्ट को बंद कर दीजिएगा और इंटर दबा दीजिएगा, तो आपका ये 10 पैराग्राफ आपका लिखा जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करने के लिए काम कर सकते हैं। आप लोग को टाइपिंग के लिए अलग से इसी में फंक्शन बताएंगे। जब तक फंक्शन की या फंडामेंटल नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक आप स्पीड से टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। आप जैसे इसमें कंट्रोल शिफ्ट और को नहीं समझ पाते हैं तो आपको कभी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं, शिफ्ट के साथ हम लोग दबाते हैं तो क्या क्या काम होता है। शिफ्ट प्लस, देखिए शिफ्ट प्लस राइट एरो को दबाएंगे तो राइट की ओर सेलेक्ट होगा। यदि आपका कर्सर लास्ट में रहेगा, कर्सर लास्ट में है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को दबाइएगा तो इधर की ओर, लेफ्ट की ओर सेलेक्ट होगा एक एक अक्षर। यदि आपका कर्सर यहाँ पे है तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाइएगा तो नीचे के लाइन सेलेक्ट होते जाएगा। यदि आपका कर्सर यहाँ पे है और शिफ्ट के साथ अप एरो दबाइएगा तो ऊपर की ओर सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे सो सेलेक्शन का क्या क्या काम होता है और कैसे कैसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट प्लस होम की के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस होम की के द्वारा लाइन को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो होम में रहेगा और आपको यहाँ पे कर्सर रहेगा, शिफ्ट प्लस होम दबाइएगा तो नहीं काम करेगा, लेकिन लास्ट में कर्सर है और शिफ्ट प्लस होम दबाइएगा तो आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कर्सर है अभी देखिए दबाइए तो नहीं होगा आपका सेलेक्ट। तो देखिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर आपका लाइन है ही नहीं। तो अभी शिफ्ट के साथ इंड दबाएंगे तो लास्ट तक कर देगा, तो लास्ट तक शिफ्ट प्लस इंड के द्वारा हमको एक लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है शिफ्ट प्लस के बाद होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल में देखते हैं कंट्रोल से क्या होता है, तो कंट्रोल को देख लेते हैं। तो हम लोग कंट्रोल ए से स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग जैसे लिखते हैं सी टी आर एल कंट्रोल आप प्लस ए, तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है उसको देखते हैं। तो सी टी आर एल क्या है, शॉर्ट नेम है। कंट्रोल प्लस अप ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए टोटल आपका कंट्रोल ए को जैसे दबाए टोटल आपका क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी से क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो कंट्रोल बी से क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए आप पहले सेलेक्ट कीजिए तब बोल्ड होगा, अन्यथा बोल्ड होगा ही नहीं। हम देखिए यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए हैं,
और कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे तो देखिए मोटा हुआ अक्षर, एक बार और दबाएंगे तो पतला हो जाएगा। एक बार मोटा होता है, दूसरा पतला होता है। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे बोल्ड कैसे होता है, कंट्रोल बी के द्वारा बोल्ड कीजिएगा। नहीं तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा, कंट्रोल दबा दीजिए या बी दबा दीजिए, हट जाएगा। क्योंकि कंट्रोल प्लस का मतलब होता है प्रेस करके रखना, तो कंट्रोल को दबा के कंट्रोल बी करना है तब आपका बोल्ड होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कंट्रोल सी से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जितना हम सेलेक्ट किए हैं उस उतना को हम कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल बी को हम क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी कीजिए, और जहाँ पे आपको चिपकाना है, आपको इच्छा है यहाँ पे चिपकाना है तो कंट्रोल बी कर दीजिए। तो कंट्रोल बी से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ से कॉपी किए, यहाँ से पेस्ट कर दिए, चिपक गया। यदि आपको कंट्रोल के साथ एक्स दबाना होता है तो कट होता है। कंट्रोल के साथ क्या होता है, एक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स दबाए कट गया, लेकिन जहाँ पे हम कंट्रोल भी करेंगे वहाँ पे पेस्ट भी हो जाएगा। तो कटा हुआ चीज़ जहाँ पे लाने का था वहाँ पे आ गया। कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड होता है, उसके बाद कंट्रोल सी का मतलब कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स का मतलब कट होता है, कंट्रोल भी का मतलब क्या होता है, पेस्ट होता है। तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कंट्रोल डी से क्या होता है, तो कंट्रोल डी को हम लोग जान लेते हैं। तो कंट्रोल डी से हम लोग ढेर सारे काम कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ डी को आप दबाइएगा तो क्या होगा, तो कंट्रोल डी को जब एमएस वर्ड में हम दबाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आता है। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं और जिसका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से हम लोग क्या क्या काम करते हैं उसको देखते हैं। तो कंट्रोल डी को दबाएंगे और कंट्रोल डी से देखिएगा डायलॉग बॉक्स आ गया है। उसमें सबसे पहले हमको फॉन्ट को चेंज करना है, तो फॉन्ट को आप चेंज कर लीजिए। देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। आपको जैसे जैसे आपको इसको मोटा पतला यानी कि बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक करना है इटैलिक कर दीजिए। उसके बाद और सा ढेर सारे ऑप्शन है तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं तो बोल्ड इटैलिक कर दीजिए, तो हम बोल्ड रखते हैं। उसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है आपको यहाँ पे देखिए यहाँ से भी वही काम किया जाता है, इसको स्टाइल को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट के फॉन्ट कलर को आप चेंज कर सकते हैं, तो रेड बैकग्राउंड है तो हम ब्लू कर देते हैं इसको, तो देखिए चेंज हो गया। उसके बाद है आपको अंडरलाइन देना चाहते हैं तो अंडरलाइन दे सकते हैं। उसके अंडरलाइन का लाइन आपको क्या करना है, ये आपको अंडरलाइन का कलर बदलना चाहते हैं तो कलर बदल सकते हैं। और उसके बाद आपको देखिएगा यहाँ पे सिंपल काट सकते हैं तो काट भी सकते हैं, यहाँ पे डबल लाइन से काट सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऊपर में लिख सकते हैं टेक्स्ट को, उसके बाद सब स्क्रिप्ट मीन्स नीचे में लिख सकते हैं, कैप्स ऑल कर दीजिएगा तो ऑल कैपिटल में लिखा जाएगा, यहाँ पे भी कैपिटल में लिखा जाएगा, उसके बाद ओके कर दीजिए तो देखिए आपका टोटल परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।